सुबह ये पप्पू नोला से मेयर साहब का घर से उन लोग का जर्नी शुरू होगा डिब्रूगढ़ से दिल्ली जाएगा। और ये जाने का मकसद था, और ये जो आप लोग का जो म्यूनिसिपल का इलेक्शन हो गया, कॉपरेटर का इलेक्शन हो गया, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो टर्निंग जो लीडर लोग को जो मिलना था वो बीच में आपका हम लोग का अरुणाचल में बोल के नहीं है, सारा इंडिया में कोविड आया, कोविड आने का वजह ये ट्रेनिंग पार्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए वो जो है आज उन लोग ट्रेनिंग का लिए निकल रहा है। और मेरा शुभकामना है उन सभी को, और आराम से हो जहाँ भी दिल्ली में जाने का बाद कौन से शहर में उन लोग जो अपना ट्रेनिंग करने के लिए जो जा रहा है तो वो ट्रेनिंग करके आएगा, और वो ट्रेनिंग से जो लाभदायक होगा अपना स्टेट में आकर अपना माता पिता भाई बहन को समझाने में सफलता होगा, और अपने यहाँ कार्य करने में सफलता होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और आप सभी को, आप लोग अच्छा जर्निंग कीजिए, और जर्निंग करके ट्रेनिंग ख़त्म करके अच्छा से अच्छा ईटानगर वापस आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। ये सबको ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी हमारा नई नवेली नगर निगम का यहाँ पे हमारा साथ आज प्रातःकालीन हमारा माननीय तीसरा बार जो जन जन का चाहत में तीसरा बार जो विधायक चुन के आया माननीय पच्ची कासो जी, और यहाँ हमारा साथ इस आह्वान में बैठक में सबसे आगे पंक्ति में बैठा हमारा डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और हमारा जो अपना यूएलबी होता है अर्बन लोकल बॉडी, अपना साथ मेरा दाहिने और कमिश्नर साहब है, और मेरा प्यारा ईटानगर का वासियों ने जो पिछला दिसंबर 2020 को 22 तारीख को जो उन लोगों के प्यार से चुना हुआ मेरा सारा कॉरपोरेटर साथी लोग, और ख़ास करके आप सबको भी हम लोग प्यार और सारा तहे दिल से आप सबको यहाँ आज, ख़ास करके मीडिया वाला को भी हम लोग दिल से आपका आगमन को हम स्वागत करता है। विशेष बात बताना ये था कि ये एक तो सरकारी नियम है वैसे, क्योंकि बिना प्रशिक्षण में कुछ भी चीज़ आगे चलने के लिए संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर कोई अपना अपना नियम तहत, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग का भी अपना प्रशिक्षण होता है इलेक्शन के बाद, ऐसे करके एमएलएस का भी होता है, और हमारा अभी आईआईपीए में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक तो ये है सिस्टम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे हम सब जा रहा है। आईएमसी बल्कि नई पीएमसी भी साथ में है, यूएलबी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके आप सबको पता है जैसे आईएएस का भी जो ट्रेनिंग होता है, आपका कैलिबर का साथ भी इंटेलिजेंट का साथ भी वो ट्रेनिंग और सिस्टम जो है मैंडेटरी है। अच्छा, आईपीएस का भी ट्रेनिंग होता है, ठीक इसी दौरान हम लोग को ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए हम लोग इतना मेहनत से इतना तकलीफ से जा रहा है, हम लोग जो है इसका मेन मीनिंग है, इसका मेन मुद्दा है, हम लोग को सिंपल में बता रहा है ईटानगर का जनता के लिए, ईटानगर का भविष्य के लिए जा रहा है। हमको दिल्ली में ट्रेनिंग सिखाएगा, सारा देश देश में विदेश में जगह जगह में हम लोग कैसा चलता है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का अंदर में अलग अलग योजना आ रहा है, एसबीएम में बहुत अच्छा अच्छा योजना आ रहा है, बड़ा बड़ा योजना आ रहा है, उसका बाद हमारा अटल मिशन में अलग अलग योजना आ रहा है, और सारा बिंदु को हम लोगों को वहाँ अलग अलग रिसोर्स पर्सन लोग जो स्पेशलाइज्ड है वो लोग हमारा कॉरपोरेटर बंधु लोग को हम सबको वहाँ में प्रशिक्षण देंगे, सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो वहाँ का ट्रेनिंग को हम लोग इसलिए लेने जा रहा है कि ट्रेनिंग का बगैर में बिना ट्रेनिंग में काम तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को आज हम लोग ऑनरेबल एमएलए साहब को मैंने पर्सनली कल रिक्वेस्ट किया, आप हम लोग का गार्जियन है,
तो जब ईटानगर के लिए जा रहा है तो आप काइंडली आके हम लोगों को एक सी ऑफ आशीर्वाद भी कर दीजिए। और यहाँ छोटा सा प्रेस इंटरेक्शन इसलिए रखा है कि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं होने से कभी कभार हमारा हिली एरिया में तो ऐसे सोचता है कि कहाँ जा रहा है, किधर टीम घूमने जा रहा है कि ऐसे करके, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पब्लिक को हम क्लियर बता देना चाहता है, हमारा कॉरपोरेटर लोग जो जा रहा है ईटानगर के लिए जा रहा है और ईटानगर का पब्लिक के लिए जा रहा है। वहाँ में जो सीख के आएगा वो IMC के लिए भी सही होगा, क्योंकि बिना नियम नीति में हम लोगों को, मेरा ये मेरा मानना नहीं है कि बिना नियम नीति में चलना जो है सही नहीं है। तो ऐसा करके अभी आप लोगों को सही मायने में सच बात को बता देगा तो 4 दिन का हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उसका बाद अगला और 3 दिन हमारा एक्सपोजर टूर रहेगा। उस एक्सपोजर टूर का सबसे मूल मंत्र है, मेन मीनिंग है, ईटानगर में हम लोग NGT से जूझ रहा है, आप सबको मालूम है, हम लोग बारी बारी इस चीज़ को प्रेस वाला का सामने आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक सिस्टम है सारा देश के लिए, सारा दुनिया के लिए एक नियम होता है, वो एबोव लो सुप्रीम कोर्ट का भी वो पैरेलल में चलने वाला सिस्टम है। तो उसका नियम ये बोलता है कि कोई भी सिटी में जितना भी आप साफ करो, कंप्लीट सिस्टम जो है, जैसे हमारा कूड़ा का गार्बेज का जो है कंप्लीट सिस्टम जो है, हम टाउन को जितना स्वीपिंग करेगा, जितना पिकिंग करेगा, जितना केयरिंग करेगा, वो सोल्यूशन नहीं है। सारा पिकिंग केयरिंग स्वीपिंग करने के बाद हम लोग वहाँ जाके लैंडफिल डंपिंग नहीं करेगा, क्योंकि यह फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। NGT ये बोलता है, NGT ये बोलता है कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट OB 2016 का तहत जो एक नियम बनाया, SWM को 2016 का तहत हम लोग कंप्लीट करना है। दूसरा बात जो है, हर सिटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का साथ हम लोग का जब सर्वेक्षण होता है, STP है कि नहीं पूछता है। STP मतलब दो चीज़ होता है, सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान और सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान। यहाँ आपको इस बार मोदी जी आने का बाद, लास्ट टाइम हम लोग मीटिंग किया था नाहरलगन में, हमारा STP शुरू हुआ, ईटानगर में सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान शुरू हो रहा है, यहाँ हम लोगों का सॉरी इंजीनियर लोग भी बैठा है हम लोग का सामने। तो ईटानगर को आपका माध्यम से हम लोग ये बताने जा रहा है, ये न्यू टीम आने का बाद पेमा खांडू जी का लीडरशिप में और हमारा ताची खासो साहब का कैप्टनशिप में, हम लोग सारा टीम जो है सेवरेज ट्रीटमेंट, सेप्टिक ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग पूरा ताकत को यहाँ झोंकेंगे। हम सारा टीम कमर कस लिया, हमारा कमिश्नर जो है, हमारा डायरेक्टर जो है, बहुत कैटागोरी के लिए ईटानगर के लिए ये सारा ट्रीटमेंट को, NGT को हम लोग सीना तान के सामने खड़ा होने के लिए हम लोग ये मुहिम चेर रखा है। तो इस बार का हम लोगों का ये टूर जो है कुल मिला के 2 चीज़ को हम लोग कंप्लीट करने जा रहा है। ईटानगर का स्वास्थ्य कैसे हम लोग मेंटेन करेगा, इसको हम कैसे ग्रीन बना के रखेंगे, हम ऐसे कैसे हम लोग क्लीन बनाएंगे, एक तो वो सीखने जाएंगे, दूसरा बाकी लोग कैसे करके करता है वो सीख के आएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों को हमेशा से जैसे बोलता है, मैं दिल के कोने से माने एज ए मेयर आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, लिटरिंग करना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग का यहाँ नॉर्मली ऐसे होता है, मेरा घर से मेरा गाड़ी से कचरा उठा के दूसरा गाड़ी में डालने से सफा होता है बोला, वो कभी भी साफ नहीं होता है। अपना अपना घर को साफ रखिए, अपना अपना जितना वो सराउंडिंग को साफ रखिए, लेकिन अगला का पास मत दीजिए, सिस्टम का साथ डालिए। हम लोग तो वैसे भी आपका पीछे खड़ा है, लेकिन आप लोग का योगदान का बिना ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अंतर में एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MLA सर को, हमारा सारा टीम का ओर से, अब जो है इतना सुबह सुबह सीनियर आदमी उठ के हम लोगों को आशीर्वाद देने आया, इससे बड़ा हम लोगों का ब्लेसिंग और क्या होगा, वो ईटानगर को ही ब्लेसिंग देने आया। थैंक यू सो मच, हम लोग का तरफ से आपको दिल से आभारी प्रकट करता है, आपको तहे दिल से हम लोग स्वागत करता है, और आगे भी हम लोग ये भरोसा है, हम लोग ये आगे भी वी आर इंश्योर दैट आपका आशीर्वाद बना रहेगा। हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला के एक साथ चलेंगे, बिल्कुल 24/7 एक साथ रहेंगे, और ईटानगर को क्लीन ग्रीन ये सब बनाने जा रहा है। इन कंक्लूजन हम लोग का ये एक पैरेलल मैसेज है, पेमा खांडू जी ने हमेशा बोला कि मोदी जी का ये अमृत का महोत्सव जो 75 हम लोगों का जो
इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, 75 स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं 2022 को। उसका चलते अभी का उसका अंतर्गत हम लोग अभी जो भी प्रोग्राम बनाया ये उससे अमृत का महोत्सव में जुड़ा हुआ भी है। ये मैसेज दिल्ली तक जाना चाहिए, ये मैसेज सीएम सर तक पहुंचना चाहिए और आप सबका आशीर्वाद हम लोग साथ बना रहेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।